मेरा की वैक्सीन के लिए हम थोड़े शॉक हो गए थे कि भाई यहाँ पे हमको कुछ पैसा नहीं भरना पड़ा। पापा मैं डॉक्टर पास ले गया। मेरे पापा को आज 6 साल हो गए। Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Hello everyone, good morning. कैसे हो आप सब लोग? Hope आप सब ठीक है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9, बहुत लेट होता है आजकल उठने में। और आज है ट्यूसडे, नायरा का वैक्सीन भी है और हमने अभी नायरा का स्कूल का जो टाइमिंग है वो भी चेंज किया है। अभी से थोड़ा वो लेट जाएगी। बस तो यही सब चल रहा है। उसका वैक्सीन है, फिर उसको भेजना भी है। मतलब आज एकदम पूरा दिन भागम भाग चलने वाली है और ऊपर से मेरा गला हो गया है वापस खराब। तो अभी मैं पी रही हूँ ठंडा गर्म पानी। समझ में नहीं आता है, मुझे लगता है कि हम जो छाछ पीते हैं ना, अभी ठंडी है और हम छाछ पीते हैं ना तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी छाछ अवॉइड करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। चाय हमारी रेडी हो गई है, नाश्ता बन गया है। नाश्ते से पहले मैं लूँगी ये हल्दी। हल्दी में थोड़ी सी चाय या पानी डाल के पी जाऊँगी। मतलब हम छोटे थे तब से, मतलब हमारी मम्मी ने जब भी हमें सर्दी खांसी कुछ भी होता था, 2 टाइम ऐसे हल्दी पाउडर देते थे ऐसे ही पी जाने का। इट इज़ 2 मिनट आपको ऐसे अजीब टेस्ट आएगा, बट द बेस्ट हल्दी इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। तो हम ऐसा ही करते थे, मतलब बचपन से, जब भी कुछ गला ख़राब लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, हल्दी की फाकड़ी ले लो और सब गायब हो जाएगा। इतनी फिर दवाई भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मुझे लगता है कि वो नुस्खा अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सिर भी बहुत भारी लग रहा है मुझे। तो यस, मुझे लगा ये आपके साथ भी शेयर कर दूँ। प्रियांक और नायरा अभी जा रहे हैं नायरा की वैक्सीन के लिए। कौन सी वैक्सीन वो सब मैं डिटेल्स आप लोगों को बताती हूँ अभी। पहले इनको जाने देते हैं, लेट हो रहा है। बाय नायरा। उसमें उसकी गाड़ी नीचे गिर गई तो मैडम रोने लगी। तो चलिए आपको बता देती हूँ कि अभी नायरा कौन सा वैक्सीन लेने जा रही है। मतलब वो अभी फ्लू का वैक्सीन लेने जा रही है। यहाँ पे कैसा है कि जैसे विंटर आने लगता है, यहाँ की गवर्नमेंट बोलते हैं कि सबको ये वैक्सीन लेना चाहिए। ये किसको मिलता है, मतलब बच्चों को जो 2 साल से ऊपर के हैं उनको ही देते हैं, 2 साल के नीचे के बच्चों को ये फ्लू वैक्सीन नहीं देते हैं। तो लास्ट टाइम नायरा को ये वैक्सीन नहीं दिया था, ये साल उनका ही। और इनका सिस्टम ऐसा है कि वो ही सामने से आपको रिमाइंड करेंगे और बताएंगे कि टाइम आ गया है अभी नायरा का ये वैक्सीन लेने का। तो बस आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए अपने जो भी आपके रजिस्टर्ड जीपी है उनके साथ। तो बस हमको जब भी मेल आया था तो लास्ट वीक हमने भी नायरा का ऐसे वैक्सीन बुक कर लिया था और आज वो जा रहे हैं। कोई भी, इनफैक्ट कोई भी वैक्सीन के लिए वो लोग अभी सामने से ही कॉल करते हैं। और अभी उसका नेज़ल वैक्सीन है, मतलब कुछ इंजेक्शन विंजेक्शन नहीं देंगे, डायरेक्टली नाक में ऐसे स्प्रे करेंगे और वैक्सीन हो गया। ये हमारा भी फर्स्ट टाइम है। अभी जैसे प्रियांक आते उसको पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस था और कैसे नेजल स्प्रे हमने कभी देखा नहीं है, तो क्या था नायरा का। और आपको एक बात बताना तो भूल गए कि ये जो सारी वैक्सीन दवाइयाँ वगैरह है वो बच्चों के लिए एकदम फ्री है। मतलब हम जहाँ जब भी लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे और नायरा को 1-2 वैक्सीन लगाया था तो हम थोड़े शॉक हो गए थे कि भाई यहाँ पे हमको कुछ पैसा नहीं भरना पड़ा। जहाँ की इंडिया में हम नायरा को प्राइवेट में वैक्सीन दिलवाते थे और बाय गॉड, मतलब कितने 3,000-5,000 कभी तो 7,000 के भी वैक्सीन दिलवाए हैं। और यहाँ पे कुछ ना पैसा भर के बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं ख़त्म करती हूँ भाई, मुझे मिला है 1/2 घंटा। तो ये सब पथारा ख़त्म करती हूँ और फटाफट ताकि क्लीनिंग हो जाए। Falling down, I will keep on searching for my high.
highs. यहाँ पे आ गए हैं वैक्सीन लेके. नायरा, सूट यू? वाह, जितना हम वैक्सीन के पहले रोए उतना ही वैक्सीन के बाद हंसे. ओहो हो, हाँ नायरा. वाह, स्टिकर भी दिया नायरा. बताओ भाई नायरा, अटली बड़ी वस्तु. चलो अंदर. सो किधू नायरा? પછી શું કર્યું ડોક્ટરે? ડોક્ટર માં એમ 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 કરી. શું કર્યું? એમ જામ કર્યું. પછી તને કહી થયું? પછી તને ડોક્ટરે શું આપ્યું? સ્ટીકર. વાહ, નાયરે ચૂઝ કર્યું ને? નાયરે સ્ટીકર તો નાયરે ચૂઝ કર્યું. હેપી નાયરા, હેપી. યે નાયરા. સો પ્રિયાંક, આપ બતાવો અભી પૂરા પ્રોસેસ કેસા રહા? तो चलो आपको बताते हैं. तो सबसे पहले तो नेजल फ्लू वैक्सीन जो है वो 2 साल के बच्चों के लिए यहाँ पे यूके में दी जाती है और वो फ्री होती है. एनएचएस जो यहाँ का मेडिकल सिस्टम है वो सामने से अपने को कॉल करता है कि भाई आपके बच्चे का वैक्सीन ड्यू हो गया. नायरा एनएचएस में रजिस्टर्ड है. तो हमें थोड़े दिन पहले मैसेज आ गया था कि आप आके अपॉइंटमेंट ले लो और बुक कर लो, मतलब वैक्सीन ले लो. तो मैंने जैसे मैसेज आया मैंने अपॉइंटमेंट ली थी और मुझे अपॉइंटमेंट आज की मिली थी. तो आज वहाँ पे हम गए नायरा को लेके, मैं और नायरा गए थे. और प्रोसेस बहुत सिंपल है. वहाँ पे आपको बस नायरा का नाम बताना होता है और फिर वो लोग बोलते हैं 5 मिनट बैठो, फिर डॉक्टर आती है, नर्स आती है. और वहाँ पे अच्छी बात ये थी कि नर्स ने वहाँ पे यूट्यूब चालू कर दिया नायरा के लिए. तो वहाँ पे उसने कोकोमेलन या कुछ तो चालू कर दिया. तो मैडम देखने लगी ना, फिर मैडम फिर भी रो रही थी कि उसको लग रहा था कि मेरे को लगता है कि इंजेक्शन मारेंगे. लेकिन वो इंजेक्शन दिखता है इंजेक्शन जैसा एकदम, जो वैक्सीन है ऐसा ही लगता है कि अभी इंजेक्शन मारेंगे. पर फर्क इतना ही है कि इंजेक्शन की तरह ही उसको दबा दिया पर उसमें से निकलता स्प्रे है. तो उसके नाक में नायरा को ऐसे रखा और फिर क्या किया, हमारी मैडम इतनी खुश हो गई, बोले अरे कोई सुई तो है ही नहीं. तो फिर वो रोना उसका बंद हो गया. और फिर जब उसको स्टिकर दिया, यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट है कि बच्चों को स्टिकर देते हैं वैक्सीन के बाद. तो नायरा को दिखा दो, वहां पे देखो उसको स्टिकर चूज करने दिया. तो ओवरऑल बहुत स्मूथ प्रोसेस था. 5 मिनट भी नहीं लगा हमको वहाँ पे. आने जाने का टाइम ज़्यादा लगा, वहाँ पे एक्चुअल टाइम सिर्फ 5 मिनट का था. पर हाँ, मुद्दे की बात यह है कि ये वैक्सीन सबको ले लेना चाहिए. जो 2 साल के ऊपर के बच्चे हैं उनको लेना चाहिए क्योंकि सब नर्सरी वगैरह जाते हैं. यहाँ पे बहुत स्प्रेड होता है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नर्सरी में स्पेंड करते हैं रेदर देन एट होम. तो जो भी इन्फेक्टेड बच्चे हैं उनके साथ ज्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली पास ऑन जल्दी होगा. और यहाँ पे विंटर में वायरसेस भी बहुत सारे एक्टिवेट हो जाते हैं. तो विंटर आने के पहले आपको ये वैक्सीन लेके रेडी रहना है. तो मेरा और नायरा का वैक्सीन तो हो गया है. अब खुशबू तुम्हारा बचा है तो तुम्हारा भी अपन अगले हफ्ते ले लेते हैं बुक करके, ठीक है? नहीं. और लगे हाथ. अब मैं आज गया था अपने मेडिकल सेंटर तो वहां से मैं 3 फॉर्म भी लेके आया हूँ. ये है एड्रेस चेंज फॉर्म्स. बराबर. कैसा है कि आप लोग को पता ही है कि हम लोग अभी कुछ दिन, कितना, 1 महीना हो गया अपने को नए घर पे आके. तो यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट होता है कि जैसे ही आप एड्रेस अपना चेंज करते हो आपको अपना मेडिकल सेंटर जिसके साथ आप रजिस्टर्ड हो, जिसको जीपी बोलते हैं या सर्जरी बोलते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर या सर्जरी या मेडिकल सेंटर, उनके साथ आपको उनको बताना पड़ता है कि भाई मैं अभी नए एड्रेस पे रह रहा हूँ. फिर वो लोग अपने डेटाबेस में चेक करेंगे कि क्या आप एलिजिबल हो यही जीपी के साथ कंटिन्यू करने के लिए. हम तो है, मैंने पहले से चेक कर लिया क्योंकि हम ज्यादा दूर गए नहीं. हम जो एरिया में रहते थे उससे हार्डली 500 मीटर दूर गए हैं हम लोग. तो उसको तो मैंने पूछ लिया है, उन्होंने बोला कि आप यहीं पे कंटिन्यू करोगे, सिर्फ आपको नया एड्रेस हमारे रिकॉर्ड में अपडेट करना है ताकि कभी इमरजेंसी हो और हमें आना पड़े तो हमारे पास आपका एड्रेस होना चाहिए. तो मैं फॉर्म लेके आया हूँ. अभी सीन ये है कि ये फॉर्म लेके वापस मुझे एक बार मेडिकल सेंटर जाना पड़ेगा और इसके साथ एक प्रूफ भी लेके जाना पड़ेगा और एड्रेस प्रूफ लेके जाना पड़ेगा. तो इसमें अपने तीनों का डिटेल सब फिल करके ये फॉर्म अपने को वहाँ पे मेडिकल सेंटर पे सबमिट करना है. ओके. तो अभी यहाँ सु के जे मिशु बोल तो परिवार कौन छे? मामा. पछी बीजू कौन छे? हमरा सु बोल तो आ कौन छे मामा ने? बीजू कौन छे? नानी. ए तो अभी मुंबई से फोन आ गया है हमारे भांजे का. यस. तो वो बोल रहा है मामा मामी, बहुत ही क्यूट लगता है और मीठा लगता है. हाय मिशु. मिशु मामा मामी कह रहा है. मामा मामी. अरे वाह. अने नाया नायरा. बूटे बूट.
तो चलो अभी वैक्सीन के बारे में थोड़ा और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये वैक्सीन अगर आप पहली बार ले रहे हो तो फीवर आएगा 24 घंटे में, मतलब बच्चों के लिए, तो 2 से 3 साल के बच्चे, जैसे मुझे भी फीवर आया था, मैं भी फर्स्ट टाइम ले रहा था, मेरा भी इन्फ्लुएंजा फ्लू वैक्सीन था, इसका भी फ्लू वैक्सीन था, खाली टाइप अलग होता है, इसका नेजल था, मेरा इंजेक्शन वाला था, तो डॉक्टर ने बोला कि फीवर आ सकता है 24 घंटे में, तो कल शायद हम इसको नर्सरी ना भेजें। वैक्सीन के बारे में थोड़ी और जानकारी आपको देता हूँ कि ये वैक्सीन बनती कैसी है, ये जो फ्लू वैक्सीन है, ज़्यादातर वैक्सीन ऐसे ही बनती है। तो ये वैक्सीन 3 टाइप की होती है। सबसे पहले तो एक होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन मतलब क्या कि उसमें वायरस, इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है, एक्चुअल रियल वायरस, उसको मारा जाता है फॉर्मल्डिहाइड से, और फिर वो मरा हुआ वायरस का जो डेड बॉडी होता है वो उस वैक्सीन में डाला जाता है और वो आपको दिया जाता है। तो आपके बॉडी में जब ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जाती है तो आपके बॉडी को समझ जाता है, भले वो वायरस डेड है, ताकि वो वायरस मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब आपको नुकसान कुछ नहीं पहुंचेगा, लेकिन आपके बॉडी को समझ जाता है कि ये वायरस को देख के इसको मारना कैसे है, तो आपके बॉडी को वो प्रिपेयर कर देता है। वैक्सीन का काम क्या है कि आपके बॉडी को तैयार करना रियल वायरस आए उसके लिए। तो इनएक्टिवेटेड वायरस में क्या होता है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या होता है कि वायरस को मार दिया गया होता है और उसको इंजेक्शन के थ्रू आपके बॉडी में डाला जाता है, ताकि आपका बॉडी एंटीबॉडी बना सके, प्रिपेयर कर सके रियल वायरस के लिए। दूसरा टाइप होता है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। अभी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में क्या होता है कि जिंदा वायरस होता है, जिंदा वायरस को थोड़ा वीक कर दिया जाता है, मतलब लेबोरेटरी में वो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको वो लोग थोड़ा जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं, ताकि वो वायरस वीक हो जाए। वायरस जिंदा होता है पर वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन को बोलते हैं कि लाइव वायरस वाला वैक्सीन। और यही वैक्सीन आज नायरा को दी है। तो जो नेजल वैक्सीन जब भी आपको देते हैं ना, तो नेजल वैक्सीन में जिंदा वायरस होता है, ये आप ध्यान रखना। और नेजल वैक्सीन बनती है एग्स में, तो जो मुर्गी के अंडे होते हैं, तो मुर्गी के अंडों में वायरस को पनपने दिया जाता है, मतलब वायरस को ग्रो होने दिया जाता है, एक हद तक ग्रो होने दिया जाता है, फिर वो मुर्गी के अंडे में से वो वायरस को निकाल लेते हैं और फिर उसको लैब में थोड़ा वीक कर देते हैं और फिर उसको इंजेक्शन में भर के आपको, या नाक में स्प्रे की तरह आपको सप्लाई करते हैं। तीसरा होता है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। अभी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में क्या होता है कि ये कम्प्लीटली लैब में बना हुआ वायरस है, मतलब ये रियल वायरस नहीं है। जैसा एक फ्लू वायरस होता है वैसा ही स्ट्रक्चर लैब में बनाया जाता है फ्लू वायरस का, यूजिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन और जेनेटिक टेक्निक्स। ये सब बायोलॉजी में, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता ही होगा, या जो बायोलॉजी में रुचि रखते हैं उनको पता होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये इट्स लाइक अ आर्टिफिशियल वायरस, बट जो दिखता है रियल फ्लू वायरस जैसा, और फिर उसको भरा जाता है इंजेक्शन में और उसको सप्लाई किया जाता है। और ये जो रिकॉम्बिनेंट वाला जो वैक्सीन है ना, ये अंडों में नहीं बनता। ये जो आपकी डेड वाली वैक्सीन है, जो पहली मैंने बोली इनएक्टिवेटेड और लाइव अटेन्यूएटेड, ये दोनों वैक्सीन मुर्गी के अंडों में बनती है, और इसमें जिलेटिन भी यूज होता है। जिलेटिन मतलब एनिमल के स्किन के पदार्थ और एनिमल के हड्डियों के पदार्थ। सो फॉर एग्जाम्पल, नायरा को जो वैक्सीन दी गई थी उसमें पिग की स्किन जो होती है उसका जिलेटिन यूज होता है। तो पिग की स्किन और अंडे, इनके थ्रू ये वैक्सीन बनती है। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि जो लोग ये सब रिलीजियस रीजन से, अगर आप लोग नॉनवेज कोई भी पदार्थ में खाना प्रेफर नहीं करते, कोई भी हो, फिर वो वैक्सीन दवाई क्यों ना हो, तो आपको बता दूं कि भाई फ्लू वायरस वैक्सीन में हमेशा अंडे जनरली होते हैं और पिग की स्किन का जिलेटिन भी होता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आई हो। और गाइज, अभी नायरा जा रही है नर्सरी। नायरा का नर्सरी टाइम हमने अब से चेंज कर दिया है अक्टूबर से, तो अभी थोड़ा प्लान में चेंज है, थोड़ी लेट जाएगी नायरा। तो अभी नायरा हो गई है रेडी। नायरा केवल लगे छे तने, आर यू ओके? ओके। तो डॉक्टर ने तो बोला कि आज नर्सरी आप भेज सकते हो, क्योंकि वैक्सीन में से इमीडिएटली फीवर नहीं आएगा, फीवर आने को एक दिन लगता है, तो शायद कल फीवर आए तो कल हम शायद ना भेजे उसको, लेकिन आज हम भेज रहे हैं क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे है विद द न्यू टाइमिंग। एन्जॉय नायरा, पछी आवशे पप्पा लेवा सांजे, ओके? स्माइल करीने जावानू। और ये मैडम ने कल एक टाइगर दिलवाया था सेंसबरी से, अभी हमेशा वो टाइगर को लेके ही घूमती है पूरा दिन। एनीवे, चलो बाय नायरा, मिलते हैं जल्दी, ओके बाय। Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we
get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I. वैसे एक और चीज के बारे में आपसे बात करनी थी, और वो थी कि अभी श्राद्ध चल रहा है. तो श्राद्ध मतलब वो टाइम ऑफ द ईयर जब आप अपने पूर्वजों को, जो आपके आपके बोलते हैं ना, आपके जो फैमिली मेम्बर्स जो चल बसे हैं, चले गए अपने को छोड़ के, उन सब की याद में, उन सबको एक रिस्पेक्ट देने के लिए, उन सब सबके लिए हम लोग थोड़ा बहुत कुछ करते हैं. फॉर एग्जांपल हम कुछ पूजा करते हैं, ब्राह्मण को कुछ खाना खिलाते हैं. तो मेरी मम्मी ने वहाँ पे मुंबई में, आज मेरे पापा का श्राद्ध है वैसे, तो पहले आपको बता दूं कि ये श्राद्ध का कैसे होता है. आई नो काफ़ी लोगों को तो पता ही होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर श्राद्ध जो है वो आता है भाद्रपद या भादरवा जो महीना होता है उसमें, विच इज़ अराउंड सितंबर अक्टूबर टाइम फ्रेम. तो भाद्रपद का जो सेकेंड हाफ होता है 15 दिन का, वो श्राद्ध के दिन माने जाते हैं. तो आपके जो भी पूर्वज है, जो जो चल बसे हैं, उनकी जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो तिथि होती है या डेट होती है, जिसको एकम, बीज, तीज, चौथ, पाँचम जो बोलते हैं, तो जिस दिन भी आपके पूर्वज एक्सपायर हुए थे या चल बसे थे, उस दिन का जो तिथि होता है, वो तिथि जब श्राद्ध के टाइम पे आता है, तो उस दिन श्राद्ध आप अपने पूर्वज के लिए श्राद्ध की विधि करते हो. तो वैसे ही मेरे पापा को आज 6 साल हो गए, और आई थिंक 14 को, खुशबू, अनंत चतुर्दशी, मतलब 14 को मेरे पापा का देहांत हो गया था. तो आज 14 है, तो आज इसलिए आज हम लोग हमारे पापा का श्राद्ध कर रहे हैं. तो वहाँ पे मुंबई में मम्मी ने सब प्रसाद वसाद सब बनाया था, और ब्राह्मण को भी घर पे बुलाया था. तो ब्राह्मण को कुछ देना होता है, ब्राह्मण को घर पे खाने के लिए बुलाते हैं, ब्राह्मण थोड़ी विधि करते हैं, तो वो सब मम्मी ने वहाँ पे मुंबई में किया था. अगर ट्राई करूँगा फ़ोटो यहाँ पे डालने की, आपको दिखाने की कि वो कैसा सब सेटअप था. बट हाँ, कैसा होता है जनरली श्राद्ध इज़ दैट पीरियड जब भादरवा जो भाद्रपद महीना होता है वो ख़त्म होता है, एंड श्राद्ध खत्म होते ही अच्छे दिन शुरू होने चालू हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी से आप देखोगे तो सारे फेस्टिवल्स शुरू हो जाएंगे. तो श्राद्ध खत्म हो रहा है, कल खत्म हो रहा है खुशबू, कल श्राद्ध खत्म हो रहा है, तो श्राद्ध के 15 दिन कल खत्म हो रहे हैं. उसके बाद से सारे अच्छे दिन शुरू होने चालू हो जाते हैं, जैसे नवरात्रि आएगी, परसों से नवरात्रि है, और नवरात्रि के बाद फिर दिवाली है, तो इसके बाद जो बोलते हैं ना, सब अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं. तो श्राद्ध, एक चीज़ आपको और बता दूं कि श्राद्ध इज ऑल्सो अ रिमाइंडर कि एक दिन हम सबको जाना है, और एक दिन हमारा भी श्राद्ध कोई बनाएगा. तो इट्स अ हार्श रियलिटी कि हम यहाँ पे आए हैं, तो हम सबको एक ना एक दिन जाना है. बट एनीवे, तो जस्ट आपको थोड़ा श्राद्ध के बारे में एक्सप्लेन करना था. और क्योंकि आज हमारे पापा का श्राद्ध है, तो हमने भी घर पे खीर बनाई थी, और अभी पापा को हमने खीर चढ़ाई थी थोड़ी देर पहले. 6 साल हो गए, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं जाता जब हम हमारे पापा को याद नहीं करते, हम हमारे पापा के बारे में नहीं सोचते. हमने ज़्यादातर कभी हम जिक्र नहीं करते, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी क्लोज टू अस, इट्स अ टॉपिक या जो भी बोलो, इट्स वेरी क्लोज टू अस अवर हार्ट, और इसलिए हमें ज़्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं है, बिकॉज हमें तुरंत फिर उनकी याद आनी शुरू हो जाती है. तो हम लोग जनरली कुछ बात नहीं करते, लेकिन हमारे मन में हमेशा हम हमारे पापा को याद करते हैं. और स्पेशली ऐसे टाइम पे जब नायरा एक ऐसी एज पे है जहाँ पे अगर काश उसके दादा उसके साथ आज होते, तो माहौल ही पूरा अलग होता. मतलब आई थिंक हमेशा मैंने देखा है, या बाय एक्सपीरियंस में कह सकता हूँ, कि बच्चों को हमेशा अपने दादा दादी का थोड़ा एक गाइडेंस, थोड़ा साया मिलना चाहिए. सॉरी, हम एक चीज़ बहुत मिस करते हैं कि नायरा को अपने दादा का प्यार नहीं मिला, और मेरे पापा को बच्चे बहुत पसंद थे. मतलब हमारे फैमिली में जितने मेरे कज़िन्स हैं, वो जब छोटे थे तब सारे कज़िन्स मेरे पापा के फेवरेट थे. मतलब पापा के पास ही जाना होता था सबको, और प्यार से मेरे सारे कज़िन्स मेरे पापा को दीदा बोलते थे. तो दादा के बदले दीदा बोलते थे, फॉर वॉट एवर रीज़न एक क्यूट सा नेम रख दिया था. तो इन शॉर्ट, मेरे पापा को बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे थे, एंड आई वी कांट इवन इमेजिन कि अगर आज यहाँ पे पापा होते, तो मतलब नायरा के तो मतलब जो मज़े होते, और पापा को जो मज़ा आता है नायरा को, नायरा के साथ खेलने में. बट क्या करें, नसीब में नहीं था. वी मिस यू अ लॉट पापा. जब मैं छोटी थी तो
मतलब मैं अपने दादा से इतनी क्लोज थी कि मैं उनके साथ ही सोती थी, उनको कहीं पे जाने नहीं देती थी। मैं स्कूल से आती थी तो दादा घर पे होने चाहिए, मम्मी हो या ना हो पर दादा होने चाहिए। और जब मेरे दादा ने अपनी लास्ट ब्रेथ ली थी, मतलब वो उनको नींद में ही अटैक आ गया था, तभी भी मैं उनके साथ बाजू में ही सोई थी। और मुझे, मैं ही सबसे पहली थी जो मुझे, जिनके मुझे पता चला था। तो मुझे पता है कि क्या होता है दादा का प्रेम। और वही बात का मुझे लाइफ टाइम अफसोस रहेगा कि नायरा को अपने दादा का प्रेम नहीं मिलेगा। वो बात अलग है कि प्रियांक किस टाइम, मतलब एवरीथिंग, वो कभी कभी प्रियांक बहुत नायरा को पैम्पर करते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि क्यों पैम्पर इतना कर रहे हैं, पर फिर मैं सोचती हूँ कि वो अभी दो ड्यूटी निभा रहे हैं, पापा की और दादा की। और अगर दादा होते तो इससे भी ज्यादा करते। तो प्रियांक इज फुलफिलिंग ऑल द थिंग्स, तो थैंक यू फॉर दैट। और भाई मेरे पापा ने मुझे भी ऐसा ही बड़ा किया था कि मतलब बहुत ज़्यादा पैम्पर करके मुझे बड़ा किया था। और बस मेरे से कंट्रोल नहीं होता, जब नायरा को मैं देखता हूँ तो मुझे माइंड में ऐसा आ जाता है कि जैसे मेरे पापा ने मुझे बड़ा किया, जैसे इतना जितने प्यार से मेरे पापा ने मुझे बड़ा किया है, बस मेरे को उतने ही प्यार से नायरा को बड़ा करना है। तो मेरा जो भी अपब्रिंगिंग मैं करता हूँ नायरा की, उसमें ऑल द इंस्पिरेशन इज़ फ्रॉम माई फादर। शाम हो गई है, मेरा काम हो गया है ख़त्म। छाता देख के आपको अंदाज़ा तो आ ही गया होगा कि बारिश मस्त हो रही है यहाँ पे। आई डोंट नो कैमरा आपको कितना दिख रहा है, लेकिन अच्छी खासी बारिश हो रही है। और भाई अभी ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ नायरा को लेने उसकी नर्सरी। अभी टाइमिंग पूरा चेंज हो गया है, तो आज देखना है, आज उसका फर्स्ट डे, तो पता चलेगा कि कैसा एडजस्ट किया उसने। टीचर को जाके पूछना भी है कि भाई ओवरऑल उसका आज शेड्यूल क्या रहा। जनरली वो घर पर दोपहर को सो जाती है, तो क्या आज वहाँ पर सोई, खाना क्या खाया, कितनी बार खाना दिया, क्योंकि अभी सब चेंज हो गया उसका टाइमिंग के हिसाब से। तो चलो देखते हैं। वैसे ये हम आपको बता दें कि ये टाइम हमने चेंज किया क्यों है। तो उसका रीज़न ये है कि हम लोग सुबह को नायरा को, एक्चुअली सुबह का पहले जो टाइम था वो 9 बजे का था, लेकिन 9 बजे हम कभी नायरा को पहुँचा ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो उठती थी कभी 8, 8:30 बजे, कभी 7 बजे। उसका कोई उठने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। और उठने के बाद है ना, हम लोग हमारे काम में भी इतने बिजी हो जाते थे कि हम लोग नायरा को 9 बजे तक रेडी नहीं कर पाते थे। तो पहुंचाते पहुंचाते 10 तो बज ही जाते थे, क्योंकि मेरी सुबह 8:30 बजे से मीटिंग्स चालू हो जाती, तो मैं कुछ ध्यान नहीं दे पाता हूँ। खुशबू भी रात को लेट तक एडिटिंग करती है, तो इसीलिए खुशबू का भी सुबह उठना थोड़ा जल्दी, मतलब एटलीस्ट 9 बजे पहुँचाना नायरा को थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये सारे रीज़न थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा टाइमिंग चेंज करते हैं। और दूसरा कैसा है कि भाई अभी विंटर भी आ रहा है, तो विंटर में वैसे भी इतना सुबह जल्दी उठने होने वाला है नहीं। और हमने सोचा कि थोड़ा उसको दोपहर को भेजते हैं, ताकि क्या हम लोग भी थोड़ा दोपहर को जनरली थोड़ा लाइट हो जाता है, हमारा इनिशियल मॉर्निंग का जो लोड होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो दोपहर थोड़ा लाइट होता है, तो हम लोग उसको दोपहर को भेजते हैं और शाम को थोड़ा 2-3 घंटा ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे उसका नर्सरी में। वैसा कुछ प्लान किया है हमने, इसीलिए थोड़ा टाइमिंग चेंज किया है। तो और अभी क्योंकि विंटर भी आ रहा है, तो वही है कि विंटर में भाई इतना सुबह सुबह नायरा को नर्सरी भेजना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था हमें, इसलिए हमने बोला चलो ये टाइमिंग ट्राई करके देखते हैं। और अगर नहीं वर्कआउट हुआ तो हम वापस पुराने टाइमिंग पे आ जाएंगे। यही है कि हमको 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है जब भी हम टाइमिंग चेंज करें, तो इसीलिए ऐसा कुछ है। तो देख लो भाई हमारा पार्क कितना सुंदर हो गया है अभी, लेकिन पार्क में कोई नहीं है, क्यों होगा, कोई बारिश ही है। और अब क्योंकि नायरा का टाइमिंग हो गया है चेंज, तो द गुड थिंग इज़ कि नायरा का अभी स्कूल से, नर्सरी से छूटने का टाइम जो है वो मेरे ऑफिस ख़त्म होने के बाद का हो गया है। इसका मतलब कि अब मैं नायरा को रोज़ लेने जा सकता हूँ, और खुशबू थोड़ा बाकी अपने कामों पे ध्यान दे सकती है। खुशबू जनरली पूरा दिन घर का सब काम करती है, तो वो थोड़ा दोपहर को रिलैक्स कर सकती है। अभी कैसा था अब तक कि नायरा की नर्सरी छूटती थी 4 बजे, और 4 बजे मैं नहीं जा पाता था, तो खुशबू का ना दोपहर को कुछ आराम होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो एटलीस्ट अभी से खुशबू थोड़ा दोपहर को 1-1.5 घंटा रेस्ट कर सकती है। एंड मीनवाइल पापा इज़ फ्री फ्रॉम हिज वर्क, सो पापा कैन गो एंड पिकअप नायरा। तो ये सब बहुत सारे रीज़न थे ये सब टाइमिंग वाइमिंग चेंज करने का। इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, वी डोंट नो, वापस चेंज कर भी सकते हैं, बट हमने बोला कि चलो थोड़ा रूटीन से चेंज करते और देखते हैं कि क्या टाइमिंग ये सूट होता है कि नहीं। 6 महीने हमने निकाल लिए एक टाइमिंग पे,
उसमें हमें पता चल गया कि क्या क्या चैलेंजेस है। अब देख लेते हैं कि ये टाइमिंग में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। पूरा कीचड़ और पानी भर गया है हर जगह पे, देख लो भाई। अभी है ना प्रॉपर ग्रे स्काइज यूके में दिखने चालू हो गए, तो अभी वो टाइम गया जब यू नो एकदम क्लियर ब्लू स्काई दिखते थे, अभी रोज़ आपको ऐसे ग्रे स्काई ही दिखते हैं। हर बारिश में भी मैडम को यहाँ पे पार्क में झूला खाना, ये इसका कैसा ना मैंडेटरी टास्क है। पूरे पार्क में कोई बच्चा नहीं है लेकिन हमें जाना है। इसको रोने लगी, मतलब बोलती है कि नहीं पापा चलो 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 चलो, अभी देखो बारिश हो गई है वापस शुरू। नायरा जो वरसाद आवे छे बच्चा सोती हूँ नहीं, पची भीना थी जासू बच्चू। बज रहे रात के 9, बस हम दोपहर के बाद अपने अपने काम में लग गए थे, फिर नायरा को लेने गए, उसके साथ टाइम स्पेंड किया, फिर कुछ व्लॉग लेने का टाइम ही नहीं मिला। तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन, बस आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down.